दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में फेरबदल वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। गुरुवार को फेरबदल के प्रस्ताव पर लगी मुहर के बाद ही विधायक आतिशी मारलेना को वित्त और राजस्व विभाग की भी कमान सौंप दी गई। इस संबंध में फेरबदल से जुड़ी फाइल को एलजी के पास भेजा गया था। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था, लेकिन अब वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी आतिशी को ही सौंप दी गई है। बता दें कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में केजरीवाल मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह विपक्षी एकता की बैठक के बाद पहली बार गुरुवार को बिहार पहुंचे और विपक्ष पर जमकर बरसे। लखीसराय के हुंकार रैली में शाह ने राहुल गांधी से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी एकता को भी जमकर लताड़ा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह बोले कि कांग्रेस पिछले 20 सालों से राहुल को लॉन्च करने में लगी है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि बिहार में इकट्ठा हुई 20 पार्टियों के नेता वही हैं जिन्होंने 2014 तक 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस दौरान नीतीश पर वार करते हुए शाह बोले कि बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि है, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को त्याग रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ये आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए।